भाई जीवन में चेंज आ चुका है, जीवन में गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिंदगी में पहली बार। मजा आ चुका है भाई साहब, गर्लफ्रेंड बन चुकी है और गर्लफ्रेंड जो है एग्जैक्टली मेरे जैसी। कभी कभार आपको एक इंसान मिलता है आपको लगता है बिल्कुल ही आपके जैसा है, वो बिल्कुल ही मेरे जैसी है, तब मुझे पता चला मैं कितना हरामी हूँ। और मतलब अच्छा चला रिलेशनशिप, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमको बोलते रहते हैं कि ये सही नहीं है मामला। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा है, उसका अभी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोल रहा है, और ये तीनों एक ही आदमी है। बट मुझे वो बंदे से ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, मुझे कोई रीज़न भी नहीं दिखता। मतलब मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का लॉन्ग डिस्टेंस है, वो उसके घर के पीछे रहता है बस। बट रिलेशनशिप के कुछ खराब पार्ट्स हैं, कुछ अच्छे पार्ट्स भी हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि बंदी बहुत हॉट है। काफ़ी हॉट है वो, मतलब वो इतनी हॉट है कि वो मुझे न्यूड्स भेजती, मैं उसको 500 रुपये पेटीएम कर देता। कि ये मैं फ्री में तो नहीं देख सकता। मेरे शो पे कपल्स आते और ये जोक सुन के जाते। आज के बाद उनकी पेटीएम हिस्ट्री 500 500, बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, बाप पूछा 3:30 बजे किसको 500 रुपए मिले। सारे कपल्स ये करते हैं और सारी लड़कियां कैलकुलेट करने लगती हैं अभी तो कितना नुकसान हो गया है। अच्छा रिलेशनशिप यार, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसको बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में पता है, ओपिनेटेड है, विच इज़ गुड। कुछ लोग होते हैं ना जिनको दुनिया के बारे में सब पता होता है, देश के बारे में पता होता है, प्रदेश के बारे में पता होता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं हूँ वो इंसान। मेरे इंजीनियरिंग में 8 बैग थे एक सेमेस्टर में, सब्जेक्ट 5 होते हैं, वाइवा में बैग था मेरा। मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जिसके लिए मेरी माँ लोन लेके पैसे भर रही है। मैं रैंडम दुनिया में क्या रहा उसका क्या करूँगा। शुरू शुरू में लोग डेट्स पे गए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट ले गया, मैं उसको चॉकलेट दी, कह रही आदित्य व्हाट इज दिस, मैं कहा चॉकलेट है, कह रही नहीं ये कोको फ्लेवर चॉकलेट है, मैं कहा तो अच्छी बात है ये तो, कह रही नहीं तुमको मालूम नहीं है ये कोको एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में ब्राज़ील में 500 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मैं घबरा गया भाई, मैं कहा मैं ब्राज़ील के बच्चों की शिक्षा के आड़े आ रहा हूँ, ये 90 रुपये की चॉकलेट से जो मैंने शांता जनरल स्टोर से खरीदी। फिर मैं थोड़ी देर बाद सोचा, मैंने कहा जब ब्राजील में 500 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और इसी चॉकलेट की वजह से नहीं जा पा रहे, कल तक सब जा रहे थे। इमेजिन करो ब्राजील में स्कूल लगा हुआ है, साउ पोलो शिशु मंदिर, बच्चे आए निकर पहन के, मैडम आई साड़ी पहन के, मैडम ने लिखा ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एक आदमी क्लास में आया राजेश क्लास से निकल जाओ, कुल्लू ने चॉकलेट ले ली है। मुझे क्या करना ब्राजील के बच्चों के बारे में यार, मैं क्या करूं, मेरे घर के नीचे 2 बच्चे रहते, मुझे नहीं पता क्या करते, मुझे ये नहीं पता 2 बच्चे की ये बच्चे जो आता है छोटू बोलता हूँ भगा देता हूँ। मैं ब्राजील के बच्चों का क्या करूंगा यार, मैं उस तरीके के आदमी चिप्स खा के आ रहता हूँ, बच्चे दिख जाते तो उल्टा घूम जाता हूँ मांग न ले। नहीं नहीं ऐसा नहीं करता दोस्तों, बच्चों को झूठ बोल देता हूँ, बेटा बहुत मिर्ची है इसमें। बच्चे तेज हो गए यार आजकल, कह रहे भैया प्लेन सॉल्टेड खा रहा हो आप, फिर मैं अपने पैकेट में थूक देता हूँ। बट जितना भी टाइम रिलेशनशिप में हो गया, मेरे को मेरे हिसाब से मेरा एक एनालिसिस है कि दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो तरीके के लोग होते हैं कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं और उनका टीनेज होता है, जब डेट करना चालू करते हैं तो उनके पास घर में उनका एक खुद का कमरा होता है, प्राइवेसी होती है। दूसरे वो लोग होते हैं कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं टीनेज में डेट करना चालू करते हैं तो वो कमरा शेयर करते हैं किसी के साथ, कजिन्स ग्रैंड पेरेंट्स घर में कोई और लोग। मेरी गर्लफ्रेंड के पास खुद का कमरा था जब वो बड़ी हो रही थी। ये जितने भी लोग हैं जिनके पास खुद का कमरा था जब वो बड़े हो रहे थे, इनको एक 2 कौड़ी की आदत लग जाती है रोज रात में फोन पे बात करने की। ये सब वो ताली बजा रहे हैं जिनको बात करनी पड़ रही है।
रोज रात में कोई किसी से कैसे बात कर सकता है? कैसे छोड़ो, क्या बात करनी है? मेरे पास बात ही नहीं है करने की, स्टोरी टेलिंग पे आ चुका हूं मैं। कहानियां बना बना के बता रहा हूं कि तुमको पता है ऑफिस में लंच में आज आतिशबाजी हो गई। जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, रोज कहां से कंटेंट लेके आऊं मैं? और मुद्दा यह है कि मैं दिन भर में इतने चूतिया पे कर रहा हूं अपने जीवन में, जो मैं शाम को 9 बजे भूल जाना चाहता हूं, 11:30 बजे रिवाइज करने पड़ा है। फिर मुझे गिल्ट हो रहा अपनी हरकतों में कि यार केले से रोटी नहीं खानी चाहिए थी। ये भाई बहुत अलग लोग है भाई, रात में रोज रात में फोन पे बात करने वाले। तुम लोगों ने ट्रेन में अगर कभी ट्रैवल किया है, अपर बर्थ पे एक आदमी एयरफोन चबा रहा होता है, यही कम्युनिटी है वो। इन्हीं ने इन्वेंट किया बाबू खाना खाए कि नहीं। मेरे पास बात ही नहीं करने की यार, मैं आदमी नहीं, मैं बड़ा हो रहा था, तो मतलब मेरे घर में लोग बात थी नहीं, तो मेरी बात करने की आदत ही नहीं बचपन से। मेरा 15 साल का बेस्ट फ्रेंड है, जीवन का सबसे अजीज आदमी, उसके साथ मेरी फोन कॉल के सेकंड्स डबल डिजिट में नहीं गया। बात इतनी हो रही है कि आ रहा है, आ रहा हूं, आ जा। यहां मुझे पूरी पूरी बात करनी पड़ रही भाई रात। मैं आदमी नहीं हूं ना, मतलब मैंने भाई बात करी आसपास के कपल से, मैंने कहा क्या सीन है इसका? कह रहा है ये तो संविधान में लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या? कह रहा है अगर रिलेशनशिप में हो तो रोज रात में बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ठीक है, करते हैं भाई, क्या करें हम। करी भाई रात में फोन पे बात 3-3 घंटे, आंखों से खून आना चालू हुआ है। मैंने कहा क्या है, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, लड़कियों का मेरे को नहीं पता। जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं जिनने कभी रात में फोन पे बात करी है, तुमको पता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक सुपर पावर आ जाती है कि हमारा सर और धड़ अलग अलग सो सकते हैं। मेरे सर और धड़ ने शिफ्टें लगानी शुरू कर दी कि भाई दिन में तू सो जाएगा, रात में मैं सो जाऊंगा। भाई 3 महीने बात करी भाई रात में, एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड कह रही कि आदित्य तुम लंच में क्या करते हो दिन में? मैं कहा हाँ करता तो कुछ नहीं हूँ। कह रही ओके वी कैन टॉक इन द आफ्टरनून ऑल्सो। मैं कहा यस वी कैन। हमने दिन में बात करी, रात में बात करी, मेरी हालत खराब हो गई। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड कह रही कि आदित्य यू नो ना आई लाइक योर मॉर्निंग वॉइस ऑल्सो। मैंने कहा मैं अब नहीं आ रहा स्कैम में, कोई मॉर्निंग वॉइस नहीं है मेरी, मेरे को उठ के आधा घंटा अपने आप से मिलने में लगता है। लड़कियों ने स्कैम चला रखा है, ओ माय गॉड हिज 5 AM वॉइस बट हिज 2 PM शकल ऑल्सो। मेरी आदत ही, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में बड़ा हुआ, मेरी 11 बजे फोन पे बात करने की आदत नहीं है। गवर्नमेंट क्वार्टर में आप 10 बजे के बाद फोन पे बात करो, बगल वाला कमरा छोड़ो, बगल वाले घर में आवाज जाती है। मेरी पॉर्न देखने की आदत 9:30 बजे की है कि जब तक KBC चल रहा निपटा दो। अमित जी कह रहे हैं अब हम चलेंगे अगले पायदान पे। मैं कहा अमित जी इसके आगे आपको अकेले जाना पड़ेगा। सही लगा ये पूरी जोक? सही लगी। अब मैं तुमको बताता हूं, मेरा हो चुका है ब्रेकअप, लेकिन ये जोक स्टेज पे चलते हैं। अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा है, मैं भुलाना चाहता हूं लेकिन शो आ जाता है। अब मतलब मेरा रिलेशनशिप भी अलग था भाई, मेरा रिलेशनशिप चला 7 महीने और ब्रेकअप चला 2.5 साल। बट अब तो बात बंद हो गई, खैर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही थी, उसके रूममेट को प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो बेस्ट फ्रेंड बताया था उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये तीनों भी एक आते। मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, अपने दोस्त को फोन लगाया, आ रहा है, आ रहा हूँ, आ जा।